हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक साइड बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन पैटर्न, और इसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से एक फ्लैप दिया है और उसको मैग्नेट से लगाया है। एक पॉकेट हमने यहाँ दी है, एक पॉकेट हमने जिप वाली यहाँ पर दी है, काफ़ी गहरी है, और एक पॉकेट हमने बैक साइड में दी है। तो तीन पॉकेट का ये साइड बैग है जो कहीं भी यूज़ में लाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मेज़रमेंट है और इसको मैंने कैसे बनाया है। आज का बैग बनाने के लिए हमने सामान लिया है 9x11 इंच के 3 पीस क्विल्टेड, इस तरह से एक प्रिंट में है और दो प्लेन में है। और फिर हमने लिया है 8x8 का 1 पीस क्विल्टेड, फिर है 4x29 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 8x8 की 1 पीस लाइनिंग, 9x11 इंच की 1 पीस लाइनिंग, आप फैब्रिक भी ले सकते हैं, और 11 इंच की 1 जिप, 9 इंच की 1 जिप, इसमें मैंने पाइपिंग लगा के इसको 11 इंच का कंप्लीट कर दिया है, 2 रनर, 1 मैग्नेट बटन, और यहाँ पर मैंने बेल्ट तैयार की है। तो 3 इंच के बेल्ट में 2 डी लूप डाल करके इसको कंप्लीट किया है। 2 डी लूप चाहिए होंगे, एक बक्कल चाहिए होगी, और 40 इंच की 1 पीस बेल्ट, और थोड़ी सी हमें यहाँ पर पाइपिंग की ज़रूरत होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 इंच का पीस लेंगे, 8x8 का जो पीस है हमारे पास, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप कट दे देंगे, इस तरह से कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर 8x8 का जो दूसरा पीस है उसको लेंगे, और पहले इस पर हम एक मशीन चारों तरफ चला देंगे। और यहाँ वन साइड सिलने के बाद अभी इधर रोक करके इसका भी सेंटर हम निकाल लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से करीब हम 1.5 इंच पर जाएंगे, एक निशान लगाएंगे सेंटर पर, और मैग्नेट बटन का एक पीस लगा देंगे। तो मैग्नेट बटन का जो मैग्नेट वाला हिस्सा होता है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर ये निशान लगाया है। ये बटन लगाने के बाद अब इसको हम गोलाई से फिट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। पाइपिंग मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है, तो इसको हमें जो फ्लैट वाला हिस्सा है 8 इंच का, इसको छोड़ करके बाकी जो राउंड शेप में है यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। और इसको हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब लेंगे प्रिंटेड वाला पीस 9x11 का, इसको भी 11 इंच की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये जो सेंटर आया है सेंटर से 3 इंच डाउन जाएंगे, और साइड से यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये हमारा 2 इंच है, बाकी हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, और अब इसको इस तरह से 2 इंच से यहाँ पर 3 इंच पर मिलाते हुए राउंड शेप कट दे देंगे। इसको कट देने के बाद इस पर भी हम पाइपिंग चढ़ा देंगे।
इसको तैयार करने के बाद एक दूसरा 9x11 का पीस लेंगे और इसको इसके ऊपर यहाँ पर रखते हुए यहाँ से सिलते हुए पूरा इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। अब जो तीसरा 9x11 इंच का पीस है इसको लेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे, सेंटर में आएंगे, 5.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे, ये 11 इंच का एरिया है, 3 इंच डाउन जाएंगे और पूरी एक लाइन खींचेंगे और इसको कट करके यहाँ पर जो 9 इंच की जिप है हमारी जिसमें हमने पाइपिंग लेकर के इसको कवर किया था 11 इंच में, यहाँ पर लगाएंगे। और इस जिप को लगाने के साथ ही यहाँ पर हमने एक पाइपिंग प्रिंटेड की ली थी, इसको भी हम लगाएंगे। तो इसको हमें इस तरह से लगाना है कि उल्टी तरफ से जिप को सीधा रखेंगे और उल्टी पाइपिंग रखेंगे और सबको एक साथ जोड़ देंगे। अब इसको भी सेम प्रोसीजर में रखते हुए सिल देंगे। और इसको तैयार करने के बाद जो 9x11 इंच का फैब्रिक है उसको लेंगे और इसके पीछे कवर कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद ये जो हमने सेंटर यहाँ निकाला था 5.5 पर, इस पर हम ये जो हमने पहले सबसे पहले पीस बनाया था इसको लगाएंगे, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। ये सेंटर है हमारे पास और इसको इस तरह से रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर इसको सिल देंगे। अब लेंगे हम अपना 4x29 इंच का पीस और 11 इंच की जिप, इसमें रनर डालेंगे और इसमें मेजरमेंट करेंगे, ये हमारा 4 इंच है, जस्ट हाफ करेंगे, ये सेंटर निकाला, सेंटर से हाफ इंच इधर निशान लगाया, हाफ इंच इधर, 1 इंच का गैप रखेंगे और इस 1 इंच से यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लाइन खींची हुई है। और पहले हम और यही निशान हम इस साइड भी निकालेंगे और पहले इस पर हम मशीन चला लेंगे, इसके बाद इसको कट करेंगे। और यहाँ पर ये जो मैंने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप लिया है तो ये इसकी जो हाइट थी यहाँ पर मैंने पहले 9 इंच निकाल ली थी जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर बीच में मैंने 11 इंच निकाला था और फिर ये हमारे पास 9 इंच था। तो इसको यहाँ से 1 इंच का यहाँ से हमने मार्जिन लेकर के कट किया और अब इसमें हम जो हमारे पास बेल्ट है पहले उसको यहाँ पर अटैच करेंगे, फिर उसके ऊपर इस जिप को अटैच करेंगे इस तरह से। बहुत आराम से मशीन चलानी है, यहाँ पर काफ़ी मोटा हो जाएगा। अब इसको जोड़ने के बाद ये जो जिप है हमारी, कोई भी एक पीस लेंगे 11 इंच के साइड पर जिप को रखते हुए पूरा इस तरह से बराबर और इसको हम चारों तरफ से जोड़ते चले जाएंगे।
और इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है यहाँ पर। और क्या ये जो हमने यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप दिया था तो इसमें हल इसमें कट करने पर थोड़ा सा जो कपड़ा बढ़ा उसको हमने यहाँ नीचे लाकर हल्का सा एडजस्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था। इसी तरह से अब हम इसका जो दूसरा पीस है उसको भी जोड़ देते हैं यहाँ पर सेम प्रोसीजर में। 11 इंच को ऊपर, ये पॉकेट का एरिया ऊपर रहेगा हमारा, इस तरह से जोड़ते हुए चारों तरफ जोड़ देंगे। और इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया और ये खड़ा हो गया। खड़ा होने का मतलब है कि सारे इसके जो कॉर्नर हैं वो सही बैठ गए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। और अब इसके बाद ये जो मैग्नेट बटन है इसको हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चौक से और इसका दूसरा पीस यहाँ फिट कर देंगे। और ये हमारा एक साइड बैग कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक पॉकेट दे दी और एक पॉकेट हमने यहाँ पर दे दी। और इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, शॉपिंग में, सफ़र में, ऑफिस, कॉलेज, जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। मैंने फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।